यो व्हाट्सअप गाइस, की हाल चल मेरे यार, कैसे हो आप सभी लोग, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों आज है मेरे पास ये एक सैमसंग गैलेक्सी टैब, और हाँ ये वही टैब है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को बांटी है, मैं भी उनमें से एक था। और पता है सबसे हेक्टिक बात इस टैब की क्या है, ये जो वॉलपेपर है ना, ये वॉलपेपर हट नहीं रही है। आप कितना भी कोशिश कर लो, प्राइवेसी की वजह से ये वॉलपेपर आप हटा नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से ना आप इस वॉलपेपर को इजीली रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, मैं आपको क्लियरली इसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस वॉलपेपर को रिमूव कर सकते हैं और अपना मनचाहा वॉलपेपर सेट कर सकते हो आप इसी में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो जाओ जल्दी से रेड वाले बटन को ग्रे करो, सब्सक्राइब करो मेरे यार। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो जरूर से करना ताकि और जो भी आपके दोस्त है ना उनको ये ट्रिक पता चल सके और वो भी वॉलपेपर एटलीस्ट कम से कम वॉलपेपर तो चेंज कर सके। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आप इस वॉलपेपर को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो टैब है, ये जो टैब है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब फॉर्मेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, कि फॉर्मेट करने के लिए ऊपर से स्लाइड करो, सेटिंग्स में जाओ, और सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंटेंट बैकअप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिसेट का बटन दिखेगा। आपको अपने टैब को पूरा फुली फैक्ट्री रिसेट कर लेना है, डिलीट ऑल। इस डिलीट ऑल पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन शट डाउन होगा, फिर सारी चीज़ें फैक्ट्री रिसेट होंगी और बूट करेगा। वेट करते हैं, अगर आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड कर भी देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हो ये बायोज में नहीं है, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर में है, बायोज में नहीं है, इसलिए इजीली ये रिमूव हो जाएगा। वेट करते हैं। ये साथ में मैंने फोन इसलिए रखा है ना ताकि मैं अपना डेटा कनेक्ट कर सकूं, यानी कि हॉटस्पॉट्स में एक्टिवेट करके कनेक्ट कर सकूं। आप कोशिश करना कि वाईफाई मत यूज़ करना, अपना मोबाइल डेटा ही यूज़ करना। वाईफाई से भी कर सकते हो, नो इशू, मैं आपको बताता हूं डिटेल में। तो वेट करो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। ओके, एक बार इसको मैं फ्लिप कर देता हूं ताकि आप इजीली समझ पाओ मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो डरना मत, वेट करना, टाइम लगेगा। आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, बस शेयर करना ना भूलना। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे मैं एग्री कर लेता हूँ, ये ऑप्शनल है तो मैं इसे एग्री नहीं करूँगा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें वाईफाई कनेक्ट करना है। ये फ़ोन जो मैंने रखा है ना, ये इसीलिए रखा है ताकि मैं वाईफाई कनेक्ट कर सकूं। यस, इसके वाईफाई को मैं कनेक्ट करूंगा। डेटा ऑन है, हॉटस्पॉट ऑन है, कनेक्ट करते हैं। चेकिंग फॉर अपडेट्स, अभी अपडेट को चेक करेगा, जो अपडेट है इंस्टॉल करते हैं। लास्ट स्टेप में कुछ करना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेट करना है, एक एक स्टेप देखना है वरना फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे। हाँ, अगर आपका कोई कमेंट हो तो बता सकते हो मुझे, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली ड्रॉप कर दो, कोशिश करूंगा मैं सबका रिप्लाई कर दूं। चेकिंग डिटेल्स, ओके। सो यहाँ पे आ गया, दिस डिवाइस बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन, टू लर्न मोर कॉन्टेक्ट योर आईटी एडमिन। ये देखो योगी बाबा ने यही ना ट्रिक कर दिया है कि वो आईटी डिपार्टमेंट का सारा डिटेल हम लोग को भेज रहे हैं। जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे स्टैप में ना, वो आईटी डिपार्टमेंट को जाएगा। अगर वो चाहे तो वो डेटा को एसेस कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को किसी की प्राइवेसी को नहीं छेड़ना चाहिए, बट कोई बात नहीं, छेड़ रहे हैं तो हम भी छेड़ेंगे, हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब यहाँ पे आ जा रहा है नॉक्स मैनेज, हमें यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ये फिर से आगे प्रोसेस करेगा, कीप योर वर्क ऐप एट योर फिंगर टिप्स।
यहाँ पे दोस्तों आ रहा है दिस डिवाइस इजंट प्राइवेट, यानी कि आपका पर्सनल डिवाइस नहीं है। योर आईटी एडमिन मे बी एबल टू सी योर डाटा एंड एक्टिविटी ऑन दिस डिवाइस, यानी कि जो आपके आईटी एडमिन है यानी कि जो इसे मैनेज कर रहा है ना, जो कि जी की टीम, ये देख सकती है कि आप इसमें कर क्या रहे हो, कुछ भी वो देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर सैमसंग नॉक्स आ जाएगा, सैमसंग नॉक्स आपका सैमसंग की तरफ से है, सिक्योरिटी ही है वो, तो इससे डरने की बात नहीं है, बट कुछ चीज़ें सैमसंग नॉक्स की वजह से ही हमारी जा रही हैं, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको वॉलपेपर चेंज करना बताऊंगा, वेट करो, दिखाता हूं मैं आपको कैसे वॉलपेपर चेंज होगा, वेट एंड वॉच। ओके, ये सैमसंग नॉक्स सेटअप हो चुका है, हमें बैक आना है, और जैसे ही बैक आएंगे फिनिश पर क्लिक करना है गाइस। हाँ, मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि कब मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट इसके अगला स्टेप उसी का है कि किस तरीके से वॉलपेपर रिमूव होगा। फिनिश पर क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इसी स्टेप में जो होना होगा, अब मैं इस फोन को ऑन कर ले रहा हूँ क्योंकि इस डिवाइस के इंटरनेट को मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर बंद करना है, वो कब करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ओके, अब ये टैब है ना, ये टैब इसी के द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है, UPDESCO। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते यहाँ पर एक बार आएगा जिसमें 50% 100% सेटअप दिखाएगा। तो अब जैसे ही ये सेटअप 50% पर पहुँचे ना, आपको अपने डिवाइस का डेटा बंद कर देना है। कौन से डिवाइस का, इसका तो आप कर नहीं सकते, इसलिए आपको इस डिवाइस से जिससे कि आपका कनेक्टेड है ये टैब, मतलब कि इस स्मार्टफोन से ये टैब कनेक्टेड है इसके हॉटस्पॉट से, तो या फिर मैं इसका हॉटस्पॉट बंद कर दूँ या इसका डेटा बंद कर दूँ, इसमें इंटरनेट खत्म हो जाएगा। एग्री करते हैं, ऑथेंटिकेटिंग योर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे ही ये 50% होगा ना, अभी 0% है, जैसे ही ये 50% होगा मैं यहाँ पर डेटा बंद कर दूंगा। ओके, आपने देखा जैसे ही 50% हुआ मैंने डेटा को ऑफ कर दिया। डेटा ऑफ करते यहाँ पर आ जाएगा कि हमारा इंटरनेट नहीं है, कोई बात नहीं, हमें रिट्राई नहीं करना है। अब हमें जाना है नोटिफिकेशन पैनल पर स्लाइड करके, और यहाँ से सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना है, अबाउट टैबलेट, अगर आपके पास फ़ोन है तो अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर आपको मिलेगा नॉक्स कन्फिगर, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे यहाँ पर दिखाएंगे कुडंट अपडेट प्रोफाइल, क्योंकि हमने डेटा बंद कर रखा है, ओके करना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इस होम स्क्रीन से जाना है आपको यहाँ पर क्लोज ऑल, यस इट्स डन, आपका टैब चालू हो चुका है, करेक्ट। ये देखो आपका टैब अब कम्प्लीटली चालू हो चुका है। यहाँ पर आप चाहो तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, एक बार मैं आपको वॉलपेपर चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। यस, बहुत लोग पूछोगे कि यार वॉलपेपर चेंज हो गया लेकिन नेट मैंने बंद कर रखा है, नेट में ऑन करके भी दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों पर ये कर दे रहा हूँ। सी, आप दोनों को इजिली चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सी, चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। और एक और चीज़ अच्छी बात दोस्तों कि डेटा ऑन कर दूँ ना मैं, ये देखो मैं आपके सामने वाईफाई से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लेट मी शो यू। कनेक्टेड, यस, कनेक्ट होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सी, सब चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितने हैं मैं सबको नोटिफिकेशन को क्लियर कर दे रहा हूँ, ये देखो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखते हैं। ये सरप्राइज हो जाओगे, आपके फ़ोन को रिस्टार्ट करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। मैंने रिस्टार्ट पर क्लिक किया, सैमसंग, यानी कि वो जो योगी जी की फ़ोटो थी ना वो भी चली गई। इसका मतलब कि ये चीज़ें बायोस में नहीं थी, बस सॉफ्टवेयर में थी, तो इसको रूट करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन मुझे अगर मिलता है कुछ रूट करने पर तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी, आपको कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाई नॉक्स, सी सैमसंग गैलेक्सी, इसी जगह पर आपको नाम मिलती थी योगी और मोदी की फोटो, और वहाँ पर बहुत सारी उनकी जो स्कीम्स थी उसका नाम आता था, पर अब वो रिमूव हो चुका है। मैंने डेटा भी ऑन किया हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। आप इजिली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिसको भी ये ट्रिक नहीं पता हो, जो भी अपने टैब से वो फोटोज हटाना चाहते हो,
हटा सकते हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि फोटो हटेगी सिर्फ, ऐसा नहीं कि आपका डेटा नहीं जाएगा। स्टिल ये दिखा रहा है दिस डिवाइस बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये डिवाइस आपकी अभी भी नहीं है, आपने फोटोज को हटा दिया है, कुछ चीजें आपने चेंज कर दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके डेटा जो है वो नहीं जाएंगे, आपका डेटा प्रॉपरली जाता रहेगा, यूज कर सकते हैं प्रॉपरली वो। सो अगर इसके लिए मुझे कोई और ट्रिक मिलती है कि डेटा कैसे हटाए, कैसे रोके, या जो भी और चीजें हैं, डेटा हमारा ना जाए या रूट करके कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और कस्टम रॉम मिलता है, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। इसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, कि मेरे यार अगर वीडियो पसंद आई ना, वेट किसका कर रहे, जाओ जल्दी से जल्दी इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सबको ये ट्रिक पता चल सके। और लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट एंड सुपर एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।